चैनल पर सभी का वेलकम। आज हम आपको नए डिजाइन की बाजू बताएंगे, चुन फ्रिल वाली कैसे बनती है। देखो ये मैंने कपड़ा कट किया है, इसमें मैं बनाऊंगी तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और ये डबल है कपड़ा मेरा, तो इसकी है 18 इंच। ये देखो 9 इंच, तो 9 दूनी 18 18 इंच के मैंने ये कपड़ा लिया है। इसको मैं अभी इसका डिजाइन बताऊँगी। देखो यहाँ से मैंने अम्ब्रेला टाइप में रखी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी बाजू को जो आगे शेप आएगी उसकी बताती हूँ। ये मैंने 2.5 इंच लेना है यहाँ से, ये 2.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊँगी इसको। और ये 18 इंच है तो 3 भाग करना है इसको, तो ऊपर से ये 3 इंच, यहाँ मैं इसको यहाँ निशान लगाऊँगी 3 इंच पे, तो ये 6 इंच होगा। और यहाँ से भी मैं 6 इंच लूँगी, देखो ये 6 इंच ये हो गए, तो ये 18 इंच कपड़ा हो गया। तो 18 इंच ये यहाँ से फिर मैं इस लाइन को ऐसे गुलाई दूँगी इसको, फिर यहाँ से आगे की तरफ से हल्की सी ऐसे दे देंगे, यहाँ से घुमा के हल्की से ऐसे देंगे। यहाँ ऊपर मैंने 3 इंच छोड़ा, 3 इंच का डबल में कितना होगा, 6 इंच, और 6 इंच 6 6 इंच ये होगा डबल में, तो ये 18 इंच कपड़ा था, 3 भाग में कर दिया। अब यहाँ से हम इसको कटाई कर देंगे। ये कटिंग कर दिया, सबसे पहले हम इसको पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ से इधर से पाइपिंग शुरू करेंगे, आगे की तरफ से बाजू बनानी है तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगाना शुरू करूँगी इसमें। यहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करूँगी। इसको किनारे से यहाँ से सिलाई लगा दिया इसको, इस पाइपिंग पे नहीं आनी। ये देखो ये हमारी पाइपिंग लग गई इसमें। अभी हम इसमें फ्रिल डालेंगे, तो फ्रिल कैसे डालेंगे वो बताती हूँ। देखो इधर से हम इसमें ऐसे चुन्नट डालेंगे, 1 इंच ऐसे चुन्नट डालेंगे इसमें फर्स्ट में। ये मैंने इसमें 4 चुन्नट डाल दिए ऐसे करके, अभी हम 4 चुन्नट इस साइड से डालेंगे।
ये चार चुन्नट इसमें डाल दी और चार इसमें डाल दी। अभी हम अपनी बाजू को नाप लेंगे। देख ये मैंने बाजू बनाया है, इसका नाप से इसमें डालना है। तो ये हमारी बाजू को ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे बराबर नापेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसकी चुन्नट एक और डाल देंगे इसमें यहाँ से, और इसकी बराबर करके हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखो अभी हम इस पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे, जो ये हमारा बीच सेंटर है ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे बाजू का। बाजू कोई बीच है इससे हम यहाँ निशान लगा देंगे, तो यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो हम इसको देख यहाँ से ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और ये ऐसे घुमा के लेके आएंगे। नहीं देख ये हमारी फ्रिल लग गई, नहीं ऐसे अभी ये बाजू में मैंने पट्टी पहले लगा दी थी। अब ये देखो कितनी सुंदर सी फ्रिल बन गई है, ये मैंने लगा दी इसके ऊपर। ये कम कपड़ा में बन जाती है, इसमें अम्ब्रेला में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, इतना हमारा सूट से नहीं बचता। तो इसमें ये कम कपड़ा में बन गई और वैसे ही बन गई स्टाइलदार। देखो कितनी अच्छी सी बाजू बनी है। अभी हम इस पर एक सिलाई यहाँ से लगाएं अंदर की तरफ से। हमने अभी दूसरी बाजू भी ऐसे तैयार करनी है, और इसमें एक यहाँ हम बटन भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, यहाँ लग सकता है एक बटन। देखो कितनी अच्छी सी हमारी बाजू बन गई है, और एक कम कपड़े में। जैसे हम अम्ब्रेला से काटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, हमारे पास इतना नहीं बचता। तो ये कपड़ा हमारा कम कपड़ा में भी वैसे सेम डिजाइन बन गए। एक कितना अच्छा सा डिजाइन बना है, कितनी अच्छी लग रही है, ये पहनने से भी अच्छी लगती है। ये देखो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर से एक लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।